हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्राउज़र की डिज़ाइन। इसको आप अपने जो है पैंट और स्लीव्स या फिर शर्ट के जो है दामन पे भी बना सकती हैं। ये बहुत ही इजी है बनाना और ट्रेंडी है काफ़ी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे। इसकी चौड़ाई सिर्फ 2 इंचेस होगी और लंबाई बहुत ज़्यादा 5-6 मीटर के करीब। इसको हाफ हाफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए बिल्कुल बराबर से। अगर आप चाहें तो इसको आयरन करके बिठा लें तो, और बिल्कुल किनारे से इसको फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे। ये कॉटन का कपड़ा है तो इजीली इस तरीके से फोल्ड हो जा रहा है। अगर कपड़ा थोड़ा सिंथेटिक हो तो आप उसको पहले आयरन कर लें, और फिर ये देखिए इस तरीके से इसको बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। सारी पट्टियों को आप इस तरीके से बना करके तैयार कर लें। मैंने इस तरीके से सारी पट्टियों को तैयार कर लिया है। इनको 6 इंच लंबा हम काट लेंगे, और फिर एक पेपर लेंगे इस तरीके से, 5 इंच चौड़ा है, और जितनी आपकी मोहरी होती है इसकी लंबाई लेंगे। और फिर पट्टी जो है जिसकी अपोजिट साइड में जिधर सिलाई नहीं है उधर से रख करके इसको ज्वाइंट करेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम 3 पट्टियों को इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे पेपर के साथ, और फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस बनाते हुए 3 और पट्टियाँ लगाएंगे। तो ये देखिए ये 3 पट्टियाँ लग गई हैं। अब मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 और पट्टियाँ लगाऊंगी। तो ये हमारा पैटर्न इसी तरीके से कंटिन्यू होगा और ये बन करके तैयार हो जाएगा। पेपर में लगाने से जो है ये इजीली बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब सेम इस तरीके से हम दूसरा अपना जो है ज्वाइंट करेंगे। बीच में बिल्कुल अच्छा सा जो है स्क्वायर शेप इस तरीके से आना चाहिए। ये देखिए ये बन गया है। अब ये देखिए ये 1 इंच के करीब हमने बीच में गैपिंग छोड़ दी है, और ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से हम सारे को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब इसको हम अपने पैंट की मोहरी में अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हम पैंट की मोहरी का नीचे वाला हिस्सा लेंगे। अब इसको हम सीधी तरफ रखेंगे इस तरह, और इस पट्टी को जो है हम उल्टे करके रखेंगे, पेपर वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, और फिर 1/2 इंच की दूरी पे इस तरीके से सीधी सिलाई लगाएंगे। अब इस स्टेज पे आकर के जो है आपको इसको पेपर को निकालना नहीं है, बल्कि नीचे जो है आप एक और पट्टी को ज्वाइंट करें। ये मैंने 3 इंच चौड़ी और तकरीबन जो है 20 इंचेस लंबी जो है पट्टी ली है, 12 इंचेस। तो इसको हम फिर इस तरीके से अटैच करेंगे नीचे की साइड से, सेम 1/2 इंच की दूरी पर रखते हुए बिल्कुल सीधे सिलाई करेंगे। ये देखिए तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके बाद इस स्टेज पर आकर के हम पेपर को निकालेंगे। ये मैंने थोड़ा थिक पेपर ले लिया था तो निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप न्यूज़ पेपर लें तो वो ईजिली निकल जाएगा। अब ये देखिए ये इस तरीके से आ गया है। अब इस पट्टी को हम थोड़ा सा ऐसे यहाँ से इतना मोड़ेंगे और इस तरीके से ओवरलैप करेंगे ऊपर की तरफ। ये हमारा सीधे वाला पार्ट है। अब इस पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और हमारी डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगी।